ऐश्वर्या के सामने सलमान खान आईफा अवार्ड शो में सुनील शेट्टी को लेकर रो पड़े। सलमान के बारे में कईयों ने बहुत कुछ सुना है। सलमान किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में आए, उनकी क्या कंट्रोवर्सी रही और ज्यादातर तो लोग उनकी कंट्रोवर्सी से वाकिफ हैं। सलमान की ऐसी ही कई सारी खबरें हैं जिनके बारे में काफी लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आज तक सलमान के बारे में कोई नहीं जान पाया। सलमान आज इस दौर में बॉलीवुड के मेगा स्टार हैं। कहा जाता है कि सलमान है तो बॉलीवुड है और बॉलीवुड है तो सलमान है। दोस्तों, इतनी बड़ी लाइन किसी एक्टर के पीछे लगाना काफी बड़ी बात है, लेकिन आखिर इस एक्टर ने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वह इन दिनों इस मुकाम पर है। तो आइए जानते हैं कुछ सलमान की ऐसी अनसुनी कहानियों के बारे में जो आज तक आपने और हमने कभी नहीं सुना है। दोस्तों, आज इसी सलमान को जो बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, उसने आईफा अवार्ड के दौरान हजारों पब्लिक के बीच जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे मौजूद थे, जैसे सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी शामिल थी, और इन सब के बीच सलमान ने उस दास्ता को बयां किया जो आज तक कभी सलमान ने नहीं कही थी। सलमान उस वक्त अपने स्ट्रगलिंग के दिनों के बारे में बताते हुए इमोशनल हो गए और आंखों में आंसू भी निकल आए, और यह देख वहां मौजूद सभी एक्टर्स और ऑडियंस की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि सलमान ने आखिरकार ऐसा क्या कहा जिसने लोगों को भी इमोशनल कर दिया। दरअसल, इवेंट पर होस्टिंग के दौरान सलमान खान ने अपने उस समय को याद किया जब उनके पास कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वीडियो में सलमान खान की आंखें नम होती नजर आ रही है। हर दम स्टेज पर मस्ती करने वाले सलमान अपने पुराने दिनों को याद करते हुए काफी उदास नजर आए। अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए सलमान खान कहते हैं कि ऐसा भी एक समय था जब मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था। सलमान खान कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे पास केवल इतना पैसा होता था कि मैं एक शर्ट या जींस ही खरीद सकूं। तब अन्ना यानी एक्टर सुनील शेट्टी की एक दुकान थी जिसका नाम मित्सिफ था। मैं वहीं गया, मेरी नजर स्टोन वॉश जींस, शर्ट, जूते और एक पर्स पर पड़ी। मुझे पता था कि मैं इन सबको एक साथ नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे। मुझे देख सुनील शेट्टी ये समझ गए। मैंने जींस खरीदी तो उन्होंने मुझे शर्ट गिफ्ट कर दी। साथ ही सलमान इस घटना के बारे में बताते हुए काफी इमोशनल नजर आए, जिसके बाद वहां बैठे सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया। सलमान ने आगे बताया कि सुनील ने देखा कि मेरी नजर एक वॉलेट पर थी, लेकिन मैंने उसे खरीदा नहीं था। इसके बाद सुनील मुझे अपने घर ले गए और उन्होंने वही वॉलेट मुझे गिफ्ट कर दिया जो मुझे पसंद आया था। इतना ही नहीं, सलमान खान ने वहां मौजूद प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनके करीबी दोस्त रमेश तौरानी को लेकर भी कहा कि प्रोड्यूसर रमेश तौरानी और बोनी कपूर ने उनकी मदद की। जहां देवता समान आदमी तौरानी ने सलमान को एक फिल्म दिलाने के लिए 5 लाख रुपए का निवेश किया, वहीं बोनी कपूर ने 2009 में वांटेड के साथ सलमान के करियर की अच्छी शुरुआत करवाई। बोनी कपूर को गले लगाया और कहा कि बोनी कपूर ने पूरी जिंदगी भर मेरी मदद की है। जब मेरा करियर कठिन दौर से गुजर रहा था तब बोनी जी ने मुझे फिल्म वांटेड दी जिसने मेरी वापसी कराई। जिसके बाद बेहद ही मजाकिया अंदाज में सलमान ने कहा, इसके बाद बोनी जी ने मुझे फिल्म नो एंट्री दी जिसके चलते अनिल कपूर वापसी कर सके। तो दोस्तों, कुछ इस तरह लोगों के बीच सलमान ने सुनील शेट्टी, रमेश तौरानी और प्रोड्यूसर बोनी कपूर का शुक्रिया किया, और यह देख हर किसी की आंखें नम हो गई। अब उन ट्रोलर्स को भी यह जवाब मिल गया होगा जो सलमान को हमेशा ट्रोल करने पर तुले रहते हैं कि इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगती है। आप क्या सोचते हो इस खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट कर जरूर बताएं।